तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्विजक्राफ्ट के बारे में, और इसका आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, ये सब जानेंगे। क्वार्टर रिजल्ट भी जानते हैं और न्यूज भी इसका देखते हैं आज। तो देखिए, मैं एनएससी के साइड पे हूं। आज इसका 648.40 है क्लोजिंग दिया इस ईयर, और 48.75 तेजी देखने को मिला है, और 8% ये इसमें तेजी आज हुआ है। ट्रेड वॉल्यूम देखिए, 15,84,994 शेयर आज ट्रेड हुआ है। ट्रेड वैल्यू निकल के आ रहा है 10,151.73। फ्री फ्लोट मार्केट कैप है इसका 4,601, 52 वीक है 989.90 दिखा रहा है, लो है 5,335। यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी देखिए, डिलीवरी में उठाया गया है 2,72,746, जो कि 17.21% जितना क्वांटिटी आज बाया हुआ है वहाँ से डिलीवरी में 17% उठाया गया है माल। तो इसका चलो जानते हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आज, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस और जानते हैं नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, चलो देखते हैं। तो देखिए, मैं जीरो दर चार्ट पे आ चुका हूँ, और इसका देखते हैं चार्ट। देखिए, मैं वन ईयर का डाटा पे चलता हूँ, ठीक है। वन ईयर में सबसे लो गया था 537, ठीक है। और यहाँ से देखिए, आज के डेट भी जो लो मरा है 156, और ये आसपास, यहाँ पे देखिए ये जो लो है यहाँ पे आसपास ही गया है, ठीक है। वन ईयर का डाटा दिखाता हूँ, देखिए ये पॉइंट एग्जैक्ट ये आसपास यहाँ पे ये आपका लो मारा है, ठीक है। अभी देखिए, इसका जितना लो मारना था अभी ये मार दिया, ठीक है। तो अभी देखिए, इसमें आपको टारगेट देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो देखिए, आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसका जो चार्ट है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये पोजीशन इसका सबसे लो मारा था, ठीक है, 534 जो भी है, ठीक है। यहीं आसपास यहाँ पे भी लो मारा है गिर के, और इसका जो हाई गया था सबसे सितंबर 2021 में 995, यहाँ से ये इसमें आपको धीरे धीरे गिरावट देखने को मिला थोड़ा थोड़ा। मतलब यहाँ से देखिए, डाउनफॉल पूरा स्टार्ट हो गया, और एक दिन इसमें गिरा है 732 से डायरेक्टली चला गया ये 500, ठीक है, और 556। अब देखिए ये ऊपर की उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखिए 64 ये गया है आपके आज 604 से लेके गया है 653 आसपास, ठीक है। अभी यहाँ से आपको नेक्स्ट टारगेट 760, ये अगर तोड़ता है तो इसका 83, देखिए ये वाला आसपास आपको रेंज देखने को मिल सकता है, ये वाला जो है 800, ये आसपास आपको 800 आसपास आपको देखने को मिल सकता है अगर ये 760 तोड़ता है तो, ठीक है। 850-830 आसपास ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 800 मान लो 820-830, और ये ब्रेक करता है तो आपको ये लेवल देखिए 889.90 ये आसपास देखने को मिल रहा है। और ये आपको दो टारगेट दिया हूँ, 830.20 और ये 880.90, ये आपको आसपास देखने को मिलेगा। और ये तोड़ेगा और ये तोड़ देगा तो आपको 900 आपको टॉच कर सकता है। तो शेयर का भी देखिए ऊपर की ओर कोशिश कर रहे हैं जाने की, ठीक है। और ये देखिए इसमें 656 चला गया है, अभी बाकी है आपको 764 आपको टच करने का, ठीक है। और ये तोड़ेगा तो 800 उसके बाद 890 और 890 और आपको 900 आसपास देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको 1000 करीबन ले जा सकता है। तो कंपनी का तो शेयर बहुत अच्छा है, अब इसका होल्ड करके रख सकते हो। चलो देखते हैं न्यूज भी, यहाँ पे देखिए न्यूज इसका क्विजक्राफ्ट लिमिटेड 648.40 है, और 48.75 तेजी देखने को मिला, और 8.13% इस 590 आसपास ओपन होके ये चला गया आपका 650 आसपास चला गया था। यहाँ पे देखिए 592 इसका लो है, हाई है 556, 52 एक लो है 535 और हाई है 989। यहाँ पे देखिए R1 दिखा रहा है 610, 622, 639, S1 दिखा रहा है 582, 565 और 553। कंपनी का डिविडेंड देखिए 2021 नवंबर, देखिए
4 रुपीज़ दिया था, फिर 7 रुपीज़ यहाँ पे दिया है। रेवेन्यू देखिए अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न कर रहा है 17 से लेके 2021 तक। देखिए 4314, फिर 6000, फिर देखिए 8000, फिर देखिए 10000, फिर देखिए 10036। और रेवेन्यू देखिए ये 4 से फिर 2000 मिला, मतलब 2000 ज़्यादा, फिर एक साल के बाद फिर देखिए 8000, 6 से 8000 हो गया, फिर 10000, फिर देखिए ये 2021 को ये थोड़ा एवरेज आ गया 10000 आसपास, ये 2020 और 2021 में मिला है रेवेन्यू। प्रॉफिट तो अच्छा खासा दे रहे हैं, दिसंबर में देखिए 3684 का सेल, 89 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 41 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 3227 सेल। जून में 2989 सेल हुआ है और 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या चीज़ है, 51.78% प्रमोटर है, 12.99% पब्लिक है, 13.01% DISR और FIS है, 22.23%। यहाँ पे देखिए इसका इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, MF स्कीम इंक्रीज हुआ है 21 to 2022, FI और FPI ने इंक्रीज किया है 21.14 to 22.23। देखिए ये ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है, MF स्कीम इंक्रीज हुआ है, FII और FPI ने इंक्रीज किया है वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए इसका बारे में, इसको अभी जनगे इन द बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट एंड द टैक्स सर्विसेज। इसे अर्न 3,83,000, इसका कितना एम्प्लॉई है, 3,84,000 एम्प्लॉई अक्रॉस इंडिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द साउथ ईस्ट एशिया, अक्रॉस ऑल द सेगमेंट। क्विज सर्विस ओवर द 2600 प्लस क्लाइंट वर्क एरिया। देखिए मतलब क्विज बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैप है 9587 है, स्टॉक पी है 97.0, ROC 7.72, करेंट प्राइस है 648, बुक वैल्यू है 157 और ROE है 2.02, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, डिविडेंड 1.08 दिखा रहा है, लो है यहाँ पे दिखा रहा है आपका, देखिए 992,533। कंपनी का टोटल एसेट देखिए ज़बरदस्त एसेट है, करेंटली देखिए मार्च 2021 और सितंबर 2021 में देखिए ये 4720 था, अभी 5003। पहले देखिए 2012 में 254 एसेट था। यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है, प्रमोटर है 71.43, पहले था 19 पे, अभी आ गया 2021 में 51.70, इसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिला प्रमोटर। FIS स्टार्टिंग में 13 था, अभी 22.23, मतलब इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। 7.07 था DIS, इसमें भी 13.01 भी ग्रोथ हुआ है, 8.37 था पब्लिक, अभी पब्लिक भी 12.89, मतलब DIS पब्लिक और FIS इतनों आपको ग्रोथ हुआ है इसमें। तो शेयर अभी आप होल्ड करके रख सकते हो, ये एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, और इसका बहुत सारे क्लाइंट यहाँ पे दिखा बोल रहे हैं, तो 3,80,000 आसपास इसका एम्प्लॉई दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स चलो रखता हूँ, बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।